रत्ने नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्ने टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्ने व्लॉग्स पे। हम बात कर रहे हैं 1990 की, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, समर्थ विद्यालय में पढ़ता था और स्कूल में शैलेंद्र टसाले मेरा फर्स्ट फ्रेंड बना था। उसके थ्रू और भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड बाद में बने। तो उस समय हम लोग जाते थे, वो बस से थे, 313 की सिंगल डेकर बस थी। उस समय सिर्फ फोर्ट और चर्च गेट में डबल डेकर चलती थी, बाकी मुंबई में सिंगल डेकर ही होती थी। और आते समय लेकिन हम लोग चल के आते थे, तो कभी ऊपर के रास्ते से मिलिट्री कैंप वाले, तो कभी नीचे के रास्ते से कदमवाड़ी। तो बहुत घूमना होता था हमारा, सीधे सीधे तो घर पे हम लोग जाते नहीं थे। उस समय थोड़े रास्ते भी अलग थे। ये सब जो आप देख रहे हो कोटक महिंद्रा का, विद्यानगरी का ये बिल्डिंग, वो टाइम पे नहीं था। वो जो बुद्ध विहार है वहाँ पे भी एक श्मशान होता था। हया तो उस समय था ही नहीं, तो वो रोड भी नहीं था। तो लेकिन विद्यानगरी का जो पोस्ट ऑफिस है वो उस समय भी था, और वहाँ से जब मेल लेकर जाती थी गाड़ी, वो PNT कॉलोनी के पोस्ट ऑफिस में ही जाती थी। तो हम लोग बहुत बार ये लाल डब्बा में बैठ के गए हैं घर पे। तो दोस्तों, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं समर्थ के, जो हम लोग 2016 में मेरे फ्रेंड के फार्म हाउस पे गए थे मुरबाड़। तब का ये फोटो है। उनको मैं, जैसे आपको बताया, सबसे पहले 2015 में मिला था, जब भगत मैडम जो हमारे प्रिंसिपल है वो रिटायर होने वाली थी। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि मैडम को क्या गिफ्ट करना है। तो तब की ये मीटिंग है जो फाई गार्डन में हुई थी। और ये जो व्हाट्सएप के उनके जो DPs है, उससे एक फ्रेंड ने ये कोलाज बनाया था जो आपके सामने दिख रहा है। तो 1919 में, सॉरी 1990 में मैं और भी बहुत कुछ कर रहा था। मैं फिल्मों का दीवाना हो गया था, मैं TV बहुत देखता था। तो उसका मेन रीज़न है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी तो वो बहुत मूवीज़ देखती थी। ऐसा नहीं है कि डैडी नहीं देखते थे, लेकिन डैडी सिर्फ और सिर्फ उनके ज़माने के मूवीज़ पसंद करते थे। उनका जो हीरो था वो राज कपूर था, तो संगम उनकी फेवरेट मूवी थी। उसके अलावा दोस्ती, ये मूवी उनको बहुत पसंद आती थी। बहुत बार तो उनके आंखों से आंसू आ जाते थे ये मूवीज़ का कुछ सीन देखते समय। मम्मी का जो सिलेक्शन था वो बहुत अच्छा था। उसको मोस्टली देवानंद के जो पुराने मूवीज़ है वो सब बहुत पसंद आते थे। फिर पेइंग गेस्ट हो, तेरे घर के सामने हो, तो तेरे घर के सामने के गाने तो मुझे भी बहुत पसंद है। और दूसरा जो मम्मी का एकदम फेवरेट हीरो था वो था धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र के मूवीज़ भी वो बहुत देखते थे। तो चुपके चुपके वॉज वन ऑफ आवर फेवरेट, मुझे आज भी याद है। तो गाइज, ऐसे सब चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वर्ल्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, क्योंकि इराक ने डिसाइड किया कि वो कुवैत पे हमला करेगा। तो सद्दाम हुसैन डिक्टेटर थे वो टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट US ने और बाकी सब देशों ने मोर्चा खोल दिया और गल्फ वॉर शुरू हो गया। तो ये जो गल्फ वॉर है उसका नुकसान हमको भी उठाना पड़ा। गल्फ वॉर के समय US में जो उनके प्रेसिडेंट थे वो HW Bush थे। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि हमारा जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो उससे निपटारा पाने के लिए IMF से वगैरह पैसा जोड़े, लेकिन कोई लोन देने रेडी नहीं था। हमारा हालत ये हो गया था कि 7 ही दिन का हमारे पास पैसा बचा था जिससे हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह खरीद सकते थे। तो इसका मतलब अगर हम लोग के पास पैसा नहीं है तो गैस सिलेंडर से लेकर सब्जी मंडी, सब्जी वगैरह सब 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 मिलना मुश्किल हो जाता था। तो इससे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हमने पहले देखा नहीं था, तो बहुत बड़ी मुश्किल थी। लेकिन उस समय पे जो RBI के गवर्नर थे S. वेंकटरामन, उन्होंने, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी मुलाकात ली और उनको बोला कि आप जाके गवर्नमेंट को बात करो, उनको बोलो कि हम लोग गोल्ड गिरवी रख सकते हैं IMF के पास, इससे हमको पैसा मिलेगा। तो फिर अचानक से सीक्रेटली ये सब किया गया। सिर्फ राजीव गांधी, जो चंद्रशेखर जी को कांग्रेस का बाहर से सपोर्ट मिल रहा था, उनको ये बताया गया, अदरवाइज ये सब सीक्रेट रखा था। 21,000 किलो का गोल्ड पहला इंस्टॉलमेंट में गया। तो IMF का जो पैसा देने का जो वादा था वो तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन फिर भी हमको पैसा और चाहिए था। तो
तो फिर एक शर्त अपने पास रखी गई, वो ये थी कि फिलीपाइंस से जब इराक के लिए जो जेट्स निकलेंगे वो फ्यूल दिल्ली में भरेंगे, मुंबई में भरेंगे, तो वो सब एक्सेप्ट होने के बाद ही जाके फिर हमको लोन मिला। तो ये सब जो चल रहा था उसका फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया। उसने अचानक से डिसाइड किया कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट से अपना जो सपोर्ट है वो निकाल लेंगे, और फिर चंद्रशेखर जी का कार्यकाल बहुत ही जल्दी निपट गया। तो दोस्तों, चंद्रशेखर जी बहुत महान नेता थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता थे, लेकिन पॉलिटिक्स उनको ज़्यादा रास नहीं आई। उन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण रखा था, लेकिन धीरे धीरे अब इंडिया कैपिटलिस्ट होने वाला था। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।